हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये थ्योरी जो थी हिटलर और लंडन ने 1927 में बच्चों प्रपोज की थी और लेटर इसको पॉलिंग ने डेवलप किया। इस थ्योरी से पहले हमने ये पढ़ा था वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में, लेकिन जो वीएससीपीआर थ्योरी थी वो बहुत से मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो थी ये प्रपोज की गई हिटलर ने एंड लंडन ने इसको प्रपोज किया था इन 1927 में। तो ये थ्योरी जो है ये दो वेज में हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है इन टर्म ऑफ एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन पहला जो एस्पेक्ट हम लेते हैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं भी जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर हैं तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दी टू एटम्स। व्हेन टू एटम्स आर far away from each other then there is no interaction between them and एनर्जी इज टेकन एज जीरो। जब दो एटम जो हैं बहुत दूर हैं आपस में, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, राइट? इंटरेक्शन ना होने की वजह से जो इनकी एनर्जी है वो क्या है? जीरो है, राइट? नाउ व्हेन दीज एटम्स अप्रोचेज ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आते हैं ऐसे, राइट? एक दूसरे के नजदीक आने से इनमें न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो अपेयर होती है। तो जो न्यू दो तरह की फोर्सेस जो है इनमें अपेयर होती हैं, फर्स्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है दे डोमिनेट ओवर द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, अगर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर डोमिनेट करती हैं, देन क्या होता है बच्चों? जो एनर्जी ऑफ एज ए होल एटम्स की एनर्जी है एज ए मोलिक्यूल दैट डिक्रीजेस, एनर्जी कम हो जाती है एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर जाती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो फिर क्या होता है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस और एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एज ए होल इंक्रीजेस, राइट? तो एनर्जी इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल जो है वो नहीं बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, इसको हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में। लेट अस सपोज दिस इज एच ए एंड दिस इज एच बी, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम जो ए है उसका एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम बी, राइट? अब देखिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बी। दूसरी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है
अब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन किसमें लग रही हैं? ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो लग रही है, राइट? तो दीज आर दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। जब दो हाइड्रोजन के एटम्स नजदीक आते हैं तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है इनमें लगती हैं। अब एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन H2 दे डोमिनेट ओवर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करती है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस सो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। सो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है जी। देखिए एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर दी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, एनर्जी ऑफ दी हाइड्रोजन एटम डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस सो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इस वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म, H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में वो बनता है इन बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम्स। अगर हम ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम इसको ड्रॉ करें अगेंस्ट दी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो हमें कैसा ग्राफ जो है वो देखने को मिलेगा एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। लेट अस सपोज एक्सेसिस पे हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लिया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ले ली, पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब हाइड्रोजन के दोनों एटम्स आपस में बहुत दूर हैं तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स, एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। व्हेन बोथ द हाइड्रोजन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं देन पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट? ये दोनों क्लोज आ गए और एक पॉइंट पे आके इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है मिनिमम, राइट? और ये जो डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर, जहां पे दो हाइड्रोजन एटम्स की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है लेस हो जाती है, वो डिस्टेंस कितना है 74 पिकोमीटर।
अगर हम इस डिस्टेंस से और क्लोज हाइड्रोजन एटम्स को लाते हैं, आते हैं हाइड्रोजन एटम क्लोज, देन द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इट मींस स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. So bond becomes unstable. अगर हम इससे ज्यादा 74 पिकोमीटर से ज्यादा क्लोजर हाइड्रोजन एटम को लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर बॉन्ड नहीं बनता है. तो दिस इज द एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन. एक ऐसे जैसे हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उस दौरान व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे जो है वेरी करती है. सो इसी बेस के ऊपर वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल. अब हम डिस्कस करते हैं नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल. अब हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है? अगर हम हीलियम के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एच ई और दूसरा हीलियम का एटम एच ई, ए ए ले लीजिए, बी लीजिए, इसके दो इलेक्ट्रॉन ई ए, ई ए एंड सिमिलरली इसके ई बी और ये आ गया ई बी. अब पहले हम इसमें स्टडी करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसमें होगी? हीलियम के न्यूक्लियस और उसके दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स में. ये हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन दी हीलियम मॉलिक्यूल. अब हम स्टडी करते हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. फोर्सेस ऑफ रिपल्शन किसमें होंगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन, राइट, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, ये वाले इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन. तो ये हैं द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द हीलियम एटम्स. अब जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है इस केस में दे डोमिनेट ओवर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट ओवर फोर्सेस ऑफ
अट्रैक्शन। हीलियम मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डोमिनेट करती हैं, दैट्स व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड। जो हीलियम का मॉलिक्यूल है वो नहीं बनता है। अब बच्चों हम सेकंड जो है इसका एस्पेक्ट पढ़ते हैं, इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। तो पार्शियल ओवरलैप का मतलब क्या है? कंप्लीट ओवरलैप नहीं होता है, कुछ पार्ट जो है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो ओवरलैप करता है, उसे हम कहते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग। तो जो पार्शियल ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? दी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन। तो जो पार्शियल ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है वो कौन से ऑर्बिटल हैं? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स के, हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन्स, हैविंग, राइट। तो इन पार्शियल ओवरलैपिंग से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑर्बिटल जो है 1s1 है, राइट। तो 1s1 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है विद 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऑर्बिटल को ऐसे शो करते हैं, इस ऑर्बिटल को दिस इज 1s ऑर्बिटल। ये मान लीजिए एच ए एटम है और इसी प्रकार हमने दूसरा जो है 1s ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया। ये मान लीजिए दूसरा एटम है एच पी, राइट। ये पार्शियल ओवरलैप हो गया विथ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन्स, राइट। तो ये जो पार्शियल ओवरलैप है इसकी वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो अब इसमें एस एंड एस ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस इज एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। अगर एक एस ऑर्बिटल हो और दूसरा पी ऑर्बिटल हो, ठीक है, किसी एटम का पी ऑर्बिटल हो, देन इट इज एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल हमें मिलेगी हाइड्रोजन फ्लोराइड में, एच और एफ में। ये देखते हैं ड्रा करके, एच एफ ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग जो है वो हम ड्रा करते हैं। वन एस ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन का प्लस फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2-7 और इसके कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। गलत हो गया, ठीक है जी। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फ्लोरीन की। अब इसके जो है फ्लोरीन के हम पी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द पी ऑर्बिटल हैविंग 1
unpaired electron, and this is one unpaired electron of hydrogen. This is fluorines, और ये इसके जो completely filled atomic orbital हैं fluorine के, ये वो हैं. अब इसकी overlapping हो जाएगी. तो ये एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है. तो दिस इज ओवर एस पी ओवर लैपिंग. अगर दोनों ही p ऑर्बिटल्स हों एज इन फ्लोरीन, तो उसमें जो है वहां पे आ जाएगी पी पी ओवरलैपिंग. ठीक है जी. तो दिस वॉज दी ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. अब हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड. फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं सिग्मा के साथ. तो सिग्मा बॉन्ड जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय दी हेड डाउन ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. राइट, मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं. ठीक है जी. तो ये इनमें ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. राइट, तो ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है. सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. राइट, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये टू हेड ओवरलैपिंग है या एंड टू एंड ओवरलैपिंग है. ऐसी ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. राइट, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड इट इज इट मे फॉर्म बाय SS ओवरलैपिंग. SS ओवरलैपिंग हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है जी. SS ओवरलैपिंग, दूसरा SP ओवरलैपिंग और तीसरा PP ओवरलैपिंग. अगर S ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय SS ओवरलैपिंग. अगर एक ऑर्बिटल S है दूसरा P है तो SP ओवरलैपिंग. अगर दोनों ही P ऑर्बिटल हैं देन इट इज PP ओवरलैपिंग एंड इन दिस वे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड. सेकेंड जो पढ़ेंगे हम दैट इज दी पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है बच्चों साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है. साइडवेज ओवरलैपिंग. अब साइडवेज ओवरलैपिंग कौन सी होती है? ये है पी ऑर्बिटल ये जो ओवरलैपिंग है. ठीक है जी. इट इज कॉल्ड साइडवेज ओवरलैपिंग.
और साइडवेज ओवरलैपिंग होने से जो बॉल बनता है दैट इज पाई बॉन्ड। ठीक है जी, तो जो पाई बॉन्ड है इट इज ए वीक बॉन्ड, ये इतना मजबूत नहीं है जितना कि सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन दी पाई बॉन्ड। तो इसकी एग्जांपल हम स्टडी करते हैं पाई बॉन्ड की। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2 और 6 है इसकी 2px2 2py1 एंड 2pz1। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं p जिनमें हाफ फिल्ड, ये जो दोनों हाफ फिल्ड हैं हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये दोनों साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं राइट एट द राइट एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसको बनाते हैं हम ये ऑक्सीजन के दो ऑर्बिटल आगे 2py और ये 2pz। इसी प्रकार हम दूसरा ऑक्सीजन का ले लें px 2py, ये सेकंड ऑक्सीजन एटम, ये पहला ऑक्सीजन एटम आ गया, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम आ गया। अब दोनों के ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है ये दोनों, तो ये 2px जो है वो 2px के साथ ओवरलैप करेगा और 2pz जो है ये 2px है 2pz के साथ करेगा ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इसका इससे और इसका इससे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनेंगे इसमें 2 पाई बॉन्ड्स, एक ये और एक ये, दो पाई बॉन्ड्स बन गए राइट। तो सिमिलरली वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या है 2, 5, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब ये तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें जो है बॉन्ड हम देखते हैं कैसे बनता है। ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। अब दूसरे ऑक्सीजन के ले लेते हैं, राइट ये जो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेगा बॉन्ड, इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। नाइट्रोजन में बच्चों देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 है पाई बॉन्ड्स। तो ये देखिए ये एक अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो बन गया, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब दो जो हैं इन दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जैसे हमने वहां पे पढ़ी है, इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो 2 पाई बॉन्ड बन गए, एक ये पाई बॉन्ड बन गया, दूसरा ये पाई बॉन्ड बन गया। तो इन दिस वे इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। थैंक यू।